भाई और बहनों, मेरा शिमला संसदीय क्षेत्र से कोई दूर दूर का नाता नहीं था। मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र हो, काकड़ा पार्लियामेंट्री क्षेत्र हो, जिन लोगों से मैं शायद कभी जीवन में नहीं मिला, उन लोगों का भी आना। चंडीगढ़ में जब अध्यक्ष सुबह 8:30 बजे पहुंचे तो चंडीगढ़ का हिमाचल भवन पूरा भरा हुआ था, उसके बाहर भी लोग खड़े थे। अध्यक्ष ने कहा सिरमौर के कार्यकर्ता तो आने थे, लेकिन इनमें से तो बहुत सारे ऐसे जिनको मैंने भी पहली बार देखा। परमाणु में गए तो बारिश इतनी हुई कि अध्यक्ष ने कहा कि पता नहीं, राजीव सैजल ने कहा कि पता नहीं कोई रुकेगा अब कहीं भाग जाए। इतनी बारिश के बावजूद सब लोग वहीं पर खड़े रहे। MH1 चैनल वाले थे बेचारे, उनका पूरा कैमरा खराब हो गया, उनको चंडीगढ़ से न्याय मंगवाना पड़ा। पूरे रास्ते में 4 दिन लगातार बारिशें होती रही, कल भी लगातार बारिश थी। भाई विक्रम जी यहां पर बैठे, इनके कार्यक्रम में भी हम 4:30 घंटे लेट पहुंच पाए। बारिश भी जिनको नहीं रोक पाई, आधी रात को भी पहुंचे तब भी उनको कोई नहीं रोक पाए। मंडी में तो हम पहुंचे रात को 12:15 बजे, तब भी पुल से लेकर मंडी के सर्किट हाउस तक जगह जगह स्वागत, और हॉल भी इतना खचा खच भरा हुआ था कि बाहर तक जय श्री राम के नारे ही लग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। भाई और बहनों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद, जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता और मतदाता है जो बेटा को भी नेता बनाना जानते हैं कि कैसे बनाना है। मैं भी आपके बीच में से ही कार्यकर्ता के रूप में, और शायद ये धूमल जी की तपस्या मेहनत भी है कि पूरे प्रदेश भर में जाए, पूरे प्रदेश भर में जाओ, ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग भी मिले जो कहते थे कि हम 1984 में धूमल जी के साथ काम किया, इतने वर्ष में काम किया, 40-40 साल से जो लोग पार्टी के समर्पित थे, आज उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी भी पार्टी के लिए काम कर रही है। लेकिन वो उस उम्र में भी इस बात को लेकर ही प्रसन्न है कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और देश को आगे ले जाने में जो मोदी जी ने काम किया है वो कोई छोटा काम नहीं है। कोरोना काल के समय दुनिया भर के देशों को बड़ी चुनौती आई, बड़े से बड़े देश को चुनौती आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, पहले तो पुरानी सरकारों के समय 40-40 साल के बाद वो इंजेक्शन वैक्सीनेशन हिंदुस्तान आती थी जो बाहर 40 साल पहले आ गई थी। अगर उस तरह की सरकार आज होती तो कोविड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन आपको ना मिल पाती, शायद विदेश से लानी पड़ती। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने कहीं भी और करी भी, मात्र 9 महीने के अंदर जो दुनिया के 4 देश वैक्सीनेशन नहीं बना पाए, वो नई वैक्सीनेशन बनाने वालों में 4 देशों में हमारा भारत भी है। ये हमारे वैज्ञानिकों के कारण और नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बावजूद 55 करोड़ लोगों को टीकाकरण कोविड वैक्सीनेशन करने का काम हिंदुस्तान ने मात्र 3-4 महीनों के अंदर करने का काम किया। मेरे भाई और बहनों,